हाय, मैं हूँ शारदा। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे की मीठी मठरी। आटे की मीठी मठरी को बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए देखिए आटे की मीठी मठरी बनाने के लिए हमने क्या सामान लिया है। 2 कप हमने गेहूं का आटा लिया है, 3 चम्मच हमने सफेद तिल लिए हैं, 1/4 कप हमने चीनी ली है, 1/4 कप हमने सूजी ली है और 1/4 कप हमने घी का लिया है। तलने के लिए हमने रिफाइंड लिया है। गेहूं की मीठी मठरी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा को लगाकर रख लेते हैं। इसके लिए हम गेहूं के आटा को एक बड़े बोल में डाल लेते हैं। आटे को बड़े बर्तन में डाल देंगे। साथ ही हम तिल मिला देंगे, सूजी को मिला देंगे और साथ ही हम घी को डाल देंगे। हमारे पास जो चीनी है, चीनी को हम थोड़े से गर्म पानी में अच्छे से घोलकर तैयार कर लेंगे। उसी घुले हुए पानी से हम आटा को गूंथ लेंगे। तो एक बार हम चीनी को गर्म पानी में डालेंगे। चीनी को बड़े बर्तन में डाल देंगे और थोड़े से गर्म पानी से इसको चीनी को मिक्स कर लेंगे। चीनी को हम अच्छे से गर्म पानी में इस घोल को तैयार कर लेंगे और इसी घोल से हम आटे को गूंथ लेंगे। चीनी को हम थोड़े से ही पानी में घोलेंगे, जितने हमें आटे के लिए पानी की जरूरत है उतने ही हम घोलेंगे इसको। अगर ज्यादा हो गया पानी हमारा तो हमारा आटा पतला रह जाएगा। गर्म पानी को डालते जाएंगे। आटा को हम लगा देंगे। आटा को हम मसल मसल कर बिल्कुल चिकना तैयार कर लेंगे। आटा को हम 5-6 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। इतना आटा हमारा सेट हो जाएगा और उसके बाद हम तेल को गर्म करके इसकी मठरी तैयार कर लेंगे। गैस ऑन करके हम घी को गर्म कर लेते हैं। इधर से हमारा घी गर्म होता है, इधर हम मठरी को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आटा को रखे हुए 7-8 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा सेट हो गया हो। हाथ को हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और एक मीडियम आकार का लोई लेके और इसकी मठरी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम छोटी सी लोई उठाते जाएंगे और इसकी मठरी तैयार करते जाएंगे। मठरियों को हमने हाथ से हल्का हल्का बेलकर तैयार कर लिया है। अब घी हमारा गर्म है, इसको हम तलना शुरू कर लेते हैं। आंच को हम धीमा ही रखेंगे। एक बार में जितनी आएंगी उतनी हम डाल देंगे। जो मठरी हमारी एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हम उसको दूसरी साइड पलट देंगे। मठरियों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तलेंगे। जो मठरियां हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं उनको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। बाकी की मठरियों को भी डालते जाएंगे। ये मठरियां भी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, इनको भी हम प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं।
मठरियां हमारी तैयार हैं, गैस को हम बंद कर देते हैं। क्रिस्पी और स्वादिष्ट आटे की मठरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम चाय के साथ या वैसे भी कभी हमारा मन हो हम इसको बनाकर खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। गेहूं की मीठी मठरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। मीठी मठरी को आप बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।